हेलो एवरीवन, ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी क्यों हो गई थी, उसके कॉजेस हम लोगों ने पढ़े थे। फिर जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाना पड़ा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के फीचर्स क्या क्या थे, तो मैंने आपको पहला फीचर ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था कि जो थ्री प्रेसिडेंसीज थी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि पहली थी बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी मद्रास प्रेसिडेंसी, थर्ड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इसमें चेंजेस किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब लाया गया, इसमें चेंजेस किया गया कि गवर्नर जनरल जो थे, बंगाल के, उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को कहा गया कि आप रिपोर्ट करोगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिपोर्ट करेंगे डायरेक्ट को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कि नंबरिंग में 24 थे। ठीक है, तो इसके आगे फर्दर पढ़ लेते हैं। सेकेंड रीजन, उन्होंने क्या चेंजेस किए, सेकेंड उन्होंने चेंजेस किए ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, तो मुगल एम्परर शाह आलम टू जो थे, उन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राइट जो है, मतलब टैक्स कलेक्शन का जो राइट है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। और जो निजामी की राइट जो थी, एडमिनिस्ट्रेशन की राइट, वो वहाँ के निजाम की थी। ठीक है, नवाब की, सॉरी, वहाँ के नवाब की थी। निजामी राइट जो थी, एडमिनिस्ट्रेशन राइट जो थी, वहाँ के नवाब की थी। तो भाई एक बात आप बताओ कि जब नवाब को टैक्स मिल ही नहीं रहा है, तो वो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेगा, कैसे सब चीज़ मेंटेन करेगा। तो वहाँ के जनता की हालत मतलब बुरी हो गई थी, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिला था, प्रॉपर चीज़ें नहीं हो पा रही थी, टैक्स वो दे रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को और नवाब कुछ भी एडमिनिस्टर नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कम जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया, तो उन्होंने ये ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो बंद कर दी। और जो नवाब थे उनको बोला कि आप रिटायर हो जाओ और आप पेंशन पे चले जाओ। तो ये चीज़ें हुई थी, सेकेंड रीजन ये था, इसके फीचर्स थे 1773 के। तो ठीक है, अब फर्दर जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या और चेंजेस हुई है। ट्रेड मोनोपोली, जो थी वो अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी कि इंडिया और ईस्टर्न की जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें आप ही ट्रेड कर सकते हो। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे। जब आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के मेंस की राइटिंग आप करोगे, तो उसमें आप ये सब पॉइंट्स लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। और टू द पॉइंट मैंने बताया है, शॉर्ट में बताया है, आप आसानी से समझ जाओगे कि जो ट्रेड मोनोपोली थी वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, तो वो पुराना ही है। गवर्नर में चेंजेस कर दिया, वो आपको मैंने बता दिया है। अब ये देखो, कंट्रोल ऑफ कंपनी, किसके पास है अभी भी, कमर्शियल और पॉलिटिकल कंट्रोल किसके पास है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, जो कि 24 है नंबर्स में। ओके, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, का मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें चेंजेस किया गया था कि जो तीन गवर्नर थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे, उसमें चेंजेस किया गया। गवर्नर जो बंगाल के थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और बंगाल और मद्रास की जो गवर्नर थे उनको रिपोर्टिंग करनी थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्टिंग करनी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कि नंबरिंग में 24 है। ठीक है, अब ये हो गया सेंट्रल लेजिस्लेचर। जो है मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर में कौन आया, सेंट्रली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उनकी चार एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अगर कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, लॉ से रिफॉर्म करने से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, तो ये जो चार एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं उसमें से कम दो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वोट जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के फेवर में होना चाहिए, तभी वो लॉ बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। तो इस मामले में ये समझ में आता है कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हैं वो इस मामले में कमज़ोर थे, कि भाई अगर उनको दो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वोट्स नहीं मिले तो वो भी कोई भी लॉ नहीं बना सकते। ठीक है,
तो नेक्स्ट है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में गवर्नर जनरल ऑफ सॉरी गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे, उनके पास भी 4-4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। सेम प्रोसीजर था, अगर उनको कोई लॉ स्टेट लेवल पे बनाना है तो उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वोट, 2 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वोट उनके फेवर में चाहिए होंगे तभी वो लॉ स्टेट लेवल पे बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। सेंट्रल लेजिस्लेचर पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सेम दोनों का है, सेंट्रल लेजिस्लेचर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। समझ में आया आप लोगों को? अब ये रेवेन्यू कलेक्शन का क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी कितने फॉर्म में रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कॉमर्शियल ट्रेड करके, भाई एक ट्रेडिंग का तो उसे राइट मिला ही हुआ था जिसकी वजह से वो इंडिया आई थी कि मुझे ट्रेडिंग करना है, एक उसका राइट मिला था तो वो तो एक ट्रेड के थ्रू अर्न कर रही थी, रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी। थर्ड सेकंड जो था वो बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था तो उसके बाद जो मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड थे उन्होंने बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट, टैक्स कलेक्शन का राइट जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया तो उसके बाद उन्होंने टैक्स कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। फिर धीमे धीमे उन्होंने और भी एरियाज कवर की, तो जो टेरिटोरियल पोजीशन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आता था उससे वो टैक्स कलेक्ट करके भी रेवेन्यू अर्न करते थे, ठीक है, और इन सबका इनडायरेक्ट वे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा था। और थर्ड सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट टैक्स ये आप ये मत सोचो कि सॉल्ट टैक्स जो लगाया है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही लगाया है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ही सॉल्ट टैक्स लगा हुआ है, तो उसी को कंटिन्यूएशन के फॉर्म में उसके बाद मुगल्स ने लगाया, उसके बाद ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाया। तो ये सॉल्ट टैक्स से आप लोगों को याद भी आ रहा होगा जब गांधी जी जो थे उन्होंने दांडी मार्च किया था और टैक्स सॉल्ट टैक्स लॉ को ब्रेक किया था, तो ये था, इससे रिलेटेड भी आगे पढ़ेंगे। बट ये 3 फॉर्म से कमर्शियल ट्रेड, ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पोजीशन और सॉल्ट टैक्स के थ्रू रेवेन्यू अर्न कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि भाई क्या रीज़न था जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है वो फेल हो गई, क्या रीज़न था उसका, और उसके जब ये फेल हो गई तो कौन सा एक्ट आया, फिट्स इंडिया एक्ट आया, तो उसके बारे में भी फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, लोगों से शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। Mm-hmm.